एक पेपल अकाउंट बना के आप दुनिया भर से लेन देन कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग की सोच रहे हैं, तो आपके पास एक पेपल अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे अगर आप कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, अगर आप डॉलर में परचेज करते हैं, तो आप पेपल अकाउंट से बहुत ही आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। या आप फॉरन से पैसा मंगाना चाहते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से पेपल अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पेपल अकाउंट बनाएंगे। सो आज मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाऊंगा पेपल अकाउंट को बनाएंगे। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप पेपल अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से आप उसमें लेन देन करेंगे और इसको कैसे सेटअप करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पेपल अकाउंट बनाने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही घर बैठे आप पेपल अकाउंट बना सकते हैं और उसको सेटअप भी कर सकते हैं। तो कैसे पेपल अकाउंट बनाना है, कैसे सेटअप करना है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। पेपल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पे जाने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पे आप ओपन हो सकते हैं। पेपल के थ्रू आप कोई भी नेशनली और इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप पेपल के थ्रू देख रहे हैं, यहाँ पे पेपल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और इंटरनेशनली तो आप इस पे पेमेंट कर ही सकते हैं। एक पेपल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो कुछ इस तरह से आप ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको टू ऑप्शन मिलेंगे, पर्सनल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक बिजनेस अकाउंट है और इंडिविजुअल अकाउंट है। अगर आप बिजनेस के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिजनेस अकाउंट चूज करेंगे। अगर आप पर्सनली अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट चूज करेंगे। अगर कोई अपना काम के लिए कुछ लेन देन करने के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये इंडिविजुअल अकाउंट चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जो आपके पास कोई डेट नहीं हुआ हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दीजिए। इसके बाद सिंपली यहाँ से कर देना है आपको नेक्स्ट। मोबाइल नंबर डालने का सिंपल करेंगे नेक्स्ट, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ डाल देना है। पासवर्ड डालते ही कुछ इस तरह से ओपन होकर ये आ जाएगी। यहाँ पर देख रहा है कि आप बोला ईमेल एड्रेस देने के लिए, या इसके बाद यहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है और पासवर्ड को सिंपली कन्फर्म कर देना है। इसके बाद सिंपली कर देना यहाँ से नेक्स्ट। तो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, इसके बाद कोई एक स्पेशल करेक्टर, इसके बाद कोई एक नंबर होना चाहिए। तो उस तरीके से आप यहाँ पासवर्ड को बनाएंगे और दोबारा से कन्फर्म करके नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से पासवर्ड चूज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ जो अब सिक्योरिटी चैलेंज हो तो इसको सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। आई एम नॉट रोबोट, यहाँ ट्रैफिक लाइट है, जो भी जहाँ ट्रैफिक लाइट है इसको ओके करेंगे। यहाँ से सिंपली हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बाइसाइकिल का आ गया, जो भी है जो यहाँ से हम सिंपली इसको वेरीफाई कर देंगे। तो देखिए कुछ तरीके से ये ओपन होकर आ चुका है। जो कैप्चा आपको कैप्चा पर यहाँ डाल के सिंपली कर देना है कंटिन्यू। तो देखिए लीजिए यहाँ से चैलेंज जो आ चुका है, ये पासवर्ड आपका जो सिंपली सेट हो चुका है। सिंपली हम यहां से नेवर कर देते हैं। यहां हम कैप्चा आई एम नॉट रॉबर्ट, यहां बोला पर क्रॉस वेलिंग, तो जो भी है तो यहां पे हम जो भी क्रॉस वेलिंग है उसको हम सिंपली ऐसे कर देंगे और जहां जहां इसका वेरीफाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहां नहीं लिए वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यह देखिए यहाँ बोला नेशनलिटी आ ही गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ लास्ट नेम। अगर आपके केस में दोनों अगर लास्ट नेम नहीं हो तो आपको जो फर्स्ट नेम है वही लास्ट नेम यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ आपको एड्रेस टाइपिंग कर देना है, इधर सिटी टाउन जो भी हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ स्टेट चूज कर लेना, जो भी स्टेट है तो यहाँ से आप स्टेट चूज कर लेना है। यहाँ पिस्टल पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो वो यहाँ चूज कर लेंगे। टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ करेंगे एग्री एंड क्रिएट अकाउंट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ बोले सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी चैलेंज, तो यहाँ से आपको इसको डालते रहिएगा।
इसके बाद इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो आप इसी तरह से इसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलेक्ट योर कार्ड, कार्ड का जो भी सिलेक्ट कौन सा है वो यहाँ पे आप रुपये है भीजा है जो भी वहाँ सेलेक्ट करेंगे। इस पर यहाँ देख रहे हैं एक्सपायरी डेट डालना के लिए, डालने के लिए। इसके बाद सिक्योरिटी कोड जो पीछे साइड में होती है 3 डिजिट का, यहाँ पर देख रहे हैं सिंबल दिया हुआ है, वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ आपका बिलिंग एड्रेस है जो भी अगर देना चाहते हैं तो यहाँ बिलिंग एड्रेस आप चूज कर सकते हैं न्यू। अगर आपका जो पहले हम दिए थे अगर वो है तो सही रहने दीजिएगा। इसको सिंपली कर देंगे लिंक कार्ड पे ओके। तो डेबिट कार्ड डालने से ये होगा कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो पेपर से लीक हो जाएंगे और आप जब भी जहाँ से भी पैसे पेपर के अकाउंट में आएंगे तो वो आपके डेबिट कार्ड पे आएंगे। तो इसी हिसाब से आप बहुत ही आसानी से लेन देन आप पेपर से कर सकते हैं। डालने के बाद सिंपली हम यहाँ से कर देंगे इसको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद यह किया, यहाँ पे मेरा ये वेरिफिकेशन हो गया है और मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पर डाल के मेक पेमेंट पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे मेक पेमेंट पे ओके। तो पेपल अकाउंट हमारे डेबिट कार्ड को ऑथेंटिकेट करेगा और इस तरह से देखिए मेरे अकाउंट को जो वेरीफाई यहाँ पर सिंपली हो चुका है। अब मेरा जो डेबिट कार्ड है वो पेपल के थ्रू यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब हम कहीं भी इससे शॉपिंग कर सकते हैं और पट जो रुपये है हमारे डेबिट कार्ड से ही कट होंगे। इसके बाद सिंपली हमको यहाँ कर देना है डन। डन पर करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन होके आ जाएगा, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं स्टार्ट शॉपिंग विथ पेपल, आप शॉपिंग है ना पेपल से कर सकते हैं इस अकाउंट से और आपका जो अकाउंट जो अमाउंट जो कट होगा वो आपके इस डेबिट कार्ड से कट होगा। तो सिंपली हम चलते हैं अपना अकाउंट पर। तो यहाँ से हम करेंगे अकाउंट पर ओके। तो अब मेरे जो मेल आईडी है उस पर एक मेल गया होगा, मैं उस मेल आईडी को कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए मैं अपना मेल आईडी में ओपन हो लेता हूँ। तो यहाँ मेरा मेल आईडी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल आईडी, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि मेरे जो पेपल की तरफ से वो ईमेल आया हुआ है, यहाँ लिख रखा है कि कन्फर्म योर मेल आईडी, मैं इस पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यह कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं तो अब इसको यहाँ जो भी पासवर्ड आप क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पर डाल के यहाँ पर सिंपली अपने ईमेल को कन्फर्म कर लेना है। पासवर्ड डालने का सिंपली कर देना यहाँ कंफर्म। कंफर्म होने के बाद देखिए यह वेरीफिकेशन इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी को भी कंफर्म कर लेना है और इसमें आपको बैंक अकाउंट को भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं बैंक अकाउंट पे भी चलता हूँ, पहले इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो अब मेरा आईडी कंफर्म हो चुका है, देखिए अब लॉगिन का। तो जो मैं तो पहले से लॉगिन हूँ, मैं यहाँ पर ओपन हो जाता हूँ। तो अब आपका पर्सनल अकाउंट सेट हो चुका है, अब कहीं भी आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पर। लेकिन हम अभी कहीं से पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जिससे आगे बढ़ते तो कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि पेपल बिजनेस अकाउंट हम अपग्रेड पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करके बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बिजनेस टाइप चूज करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से इंडिविजुअल चूज कर लेते हैं, इस बार सिंपली कर लेते हैं यहाँ पे सबमिट। सबमिट करने के बाद ये कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस कीवर्ड डाल देना। तो मैं यहाँ पर टाइपिंग कर दूँगा एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग सर्विस चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर पर्पस कोड है तो यहाँ पर भी हम चूज कर लूँगा एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे हम जो मोस्टली जो भी काम भी करते हैं वहाँ एडवर्टाइजिंग में ही करते हैं। तो यहाँ से हम एडवर्टाइजिंग चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम चूज कर लेंगे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च और इसका जो कोड है P1007। बैंक में अगर आपकी पेमेंट आएगी अगर आपसे पूछे कि वो कौन कोड पर आई है तो आपको बताना होगा P1007। तो इसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर्सनल पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर आपको एक डेट चूज कर लेनी है कि आप ये बिजनेस कब से शुरू किया था। और यहाँ से सीसी स्टेटमेंट नेम डालेंगे जिसे जब भी कोई आपका, तो यहाँ पे जब भी वो कोई पेमेंट करेगा तो उसके बैंक अकाउंट में क्या लिखा आना चाहिए तो वो यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है। तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट है उसका लिंक डाल सकते हैं। इसके बाद कर देंगे सबमिट पर ओके। तो आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि आप कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर नेम होगी, यहाँ पर आपकी नेशनलिटी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर अपनी करेंसी चूज कर लेंगे जो भी आपकी करेंसी है। और यहाँ पे अगर आपके बिजनेस और आपके होम एड्रेस से है तो इस पर टिक कर दीजिए। अगर नहीं, अगर अलग अलग है तो सिंपली आपको यहाँ पर पूरे एड्रेस यहाँ फिलअप करने होगा और फिलअप करने के बाद यहाँ सिंपली आपको करना होगा एग्री टू कंटिन्यू। चलिए मेरा सेम है तो मैं सिंपली इस पर टिक कर देता हूँ। इस पर यहाँ करता हूँ एग्री टू कंटिन्यू।
तो आपके सामने ये पेज आएगा, आप देखिए कि कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ चुका है। हमें आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, तो सिंपली हम यहाँ बैंक अकाउंट पे ओके जाकर ओके हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा ये जो इमीडिएट कन्फर्म हो चुका है, और इंटरनेशनल पेमेंट के लिए मेरा भी ये भी जो है यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है, और यहाँ पे जो कन्फर्म हो चुका है मेरा इंटरनेशनली पेमेंट के लिए, और यहाँ देख रहे हैं कि कन्फर्म हो चुका है मेरा ईमेल एड्रेस के लिए। इसके लिए हमको बैंक अकाउंट पे यहाँ क्लिक करना पड़ा लिंक करने के लिए, तो सिंपली हम क्लिक करते हैं। इसको सिंपली आप यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, और सिंपली यहाँ कर देंगे लिंक योर बैंक पे ओके। तो नंबर डालने के बाद यहाँ हमको बिजनेस नहीं, यहाँ हमको पर्सनल चूज करना पड़ेगा। हम सिंपली यहाँ पर्सनल चूज कर लेंगे, इस बार सिंपली हम यहाँ कर देंगे बैंक योर लिंक योर बैंक पे ओके। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा जो बैंक ऐड हो चुका है, और सिंपली ये जो कन्फर्म हो चुका है। अब यहाँ तक हम इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोकल पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई अगर हम इंडिया से ही पैसे सेंड करेगा तो वो हम सिंपली इसको इस पर रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ID प्रूफ देकर वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं अपलोड योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट एक्सेप्ट लोकल पेमेंट, तो सिंपली हमको इसको ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं एग्री टू गेट स्टार्ट, हम सिंपली इस पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन होकर आ चुका है। यहाँ देख रहे हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर पूरा आपका नेम आ चुका है। इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली आपको पैन कार्ड नंबर डालेंगे, और यहाँ पर चूज कर लेंगे पैन कार्ड। इसके बाद यहाँ पे आप जो पैन कार्ड है उसको यहाँ अपलोड करेंगे, अपने कैमरे से क्लिक कर लीजिएगा, या जो भी ब्राउज़र में है उसको यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो एक सेपरेट फाइल जो होगा टाइप JPEG GIF PNG एंड PDF फाइल में हो ये अपलोड होगा। तो सिंपली आप इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए आपका ये पैन कार्ड आ चुका है, जो पैन कार्ड है आपका। तो अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ करेंगे सबमिट, सबमिट पे ये ओके करने के बाद कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर एड्रेस पर ओके जाइए, यहाँ पर जो भी एड्रेस हो यहाँ पर सिंपली इसको टाइपिंग कर दीजिए, यहाँ कंट्री चूज कर लीजिए जो भी है। तो चलिए मैं इंडिया से हूँ। इसके बाद यहाँ पर सिंपली जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर टाइपिंग कर दीजिए। इसके बाद सिटी टाउन यहाँ पर डालिए। इसके बाद जो भी है स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर जहाँ से है तो वो स्टेट यहाँ सब चूज कर लीजिए। पिन कोड जो भी है आपका तो वो पिन कोड यहाँ पर चूज कर लीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट आपको क्या देना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट चूज कर लीजिए। यहाँ पर देना है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, GST सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट इशू ID, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, या अदर कोई है। चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। तो सिंपली आप यहाँ देखिए आधार कार्ड में चूज कर लिया हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख रहे हैं आपको मैक्सिमम साइज 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और एक्सेप्टेड जो फाइल होगा या JPEG GIF PNG और PDF फाइल में अपलोड होगा। चलिए हम यहाँ से सिंपली फाइल चूज कर लेते हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से मेरा आधार कार्ड आ चुका है। इस बार सिंपली हम यहाँ कंटे सबमिट पर ओके, सबमिट पर ओके करने के ही कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। तो देखिए मेरा ये भी जो ग्रीन हो चुका है। इसके बाद हमको यहाँ पर बैंक का एक प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम बैंक का जो भी बैंक है तो यहाँ पर देख रहे हैं अब क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ से कैंसिल चेक, बैंक का लेटर, पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट, से मैं यहाँ पर पासबुक चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको पासबुक अपलोड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका वही साइज है आपका जो 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यहाँ JPG GIF PNG और PDF फाइल में होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ सिंपली हम जो भी है तो वहाँ से हम चूज करके ले आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मेरा अपलोड हो गया। यहाँ सिंपली हम कर देंगे यहाँ पे सबमिट। सबमिट करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होकर फिर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सब कुछ या जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो भी ग्रीन हो गया है, यहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस वो भी ग्रीन हो गया है, बैंक अकाउंट ये भी ग्रीन हो गया है, पर्पस कोड ये भी ग्रीन हो गया है, बैंक एड वो भी ग्रीन हो चुका है। तो अपनी तरफ से हम सब कुछ कम्प्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा वेरीफिकेशन में, और आपका अकाउंट यहाँ पर कम्प्लीटली एक्टिव कर दिया जाएगा, पर्सनल और बिजनेस अकाउंट दोनों। यहाँ पे यह है मैसेज आइकन, यहाँ पे आप जाके कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं पेपल से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप जाके कोई भी मैसेज करके यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू मैसेज है, न्यू मैसेज पे आप यहाँ पे जाके टाइपिंग करके आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर पेपल को बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप टाइपिंग करके पेपल को सेंड कर सकते हैं, पेपल की टीम आपको हेल्प करेगी। अब कहीं आपको पेमेंट करना है तो बहुत ही इजी है। तो अब आपको अपना पेपल अकाउंट ओपन कीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर अपना ओपन कीजिएगा। तो इस तरीके से जो भी कार्ड आपने लिंक किया है तो अमाउंट उसी कार्ड से आपका कट होगा। तो आप पेमेंट लेना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से इनवॉइस बनाकर कस्टमर को सेंड करेंगे, या तो कस्टमर जस्ट आपके ईमेल आईडी पेपल में डाल करके आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देगी। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इनवॉइस आईडी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की ईमेल आईडी डालेंगे,
और यहाँ पे जो है आइटम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आप कस्टमर से लेना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे एक लोगो ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस का, और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं, वंस ओनली, सिर्फ एक बार पर पे करना है। वहाँ पे आपको जो है इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना है, डेट यहाँ आपको डेट यहाँ पे डाल देना है, या फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डाल देना है, और ड्यू डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ ड्यू डेट डाल देंगे कि इस डेट तक आपको पेमेंट करना ही करना है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देंगे जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप एक से ज़्यादा कस्टमर को सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आप किसी को सीसी करके भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आपको इस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप और भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्वांटिटी ऐड करेंगे, प्राइस ऐड करेंगे, टैक्स ऐड करेंगे, अमाउंट आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरीके से आपको टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर सामने आ जाएगा। अगर आप चाहे तो अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट भी यहाँ से जाकर दे सकते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर योर बिजनेस। टर्म और कंडीशन आप कुछ रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप टाइपिंग कर देंगे। और अगर चाहे आप यहाँ पर कोई फाइल भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, जिसमें PDF, JPEG, JPNG, RGIF फॉर्मेट में होनी चाहिए। कई तरह की फाइल है जो अलाउड है, और मैक्सिमम साइज हो जाए जो है 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 10 MB तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी ओके करके इस इनवॉइस को एक बार यहाँ पर भी देख भी सकते हैं। देखिए देखने में कुछ इस तरीके से ये लगेगी। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है, तो ये इनवॉइस सेंड हो जाएगी उसी कस्टमर को जिसके कस्टमर का ईमेल आईडी आपने ऐड की थी। अब वो पेमेंट कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये मैं पहले पैसे भेज रखा हूँ उसका है, तो आपको सेम इसी तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पाने का यहाँ प्रिंट कर सकता है, इसको सेव कर सकता है, और कहीं पे इसको रख सकते हैं। जैसे ही कोई आपको पे करेगा तो कुछ इस तरीके से उसका डिटेल यहाँ पे इस तरीके से आपको शो करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ इंडियन हमको वो सेंड किया हुआ है। तो पेपल को यूज़ करना काफ़ी इजी है, आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको इनवॉइस क्रिएट करना है, और क्रिएट करके आपको वहाँ पे इसको सेंड कर देना है। इस तरीके से कस्टमर आपको इनवॉइस के थ्रू या आपको बैंक के अकाउंट को जो देंगे उसके थ्रू आपको पेमेंट कर सकता है। तो वो आपको जैसे ही आपको पेमेंट करेगा तो वो ऐसे ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी लाइव दिखा रहा हूँ। इसका तो यहाँ देखिए, यहाँ से इसको प्रिंट कर सकता है, PDF में सेव कर सकता है, और मैं जब भी जो पेज थी जो वॉइस इनवॉइस बनाया था वो इस तरह से देखिए आप आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए पे पर क्लिक करते पे पर क्लिक करके पे इशू इससे या पेपर से या वीसा से या मास्टर कार्ड से तो पेमेंट कर सकता है। जैसे वो पेमेंट कम्प्लीट होगा तो वो आपके पेपल अकाउंट में 100 रुपीज़ आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि जैसे मेरा पेमेंट हुआ तो मेरा यहाँ पर 100 रुपया यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है। तो पेपल को यूज़ करना काफ़ी ईजी है, बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पर आपको इनवॉइस यहाँ पर क्रिएट करनी है, अपने कस्टमर को सेंड करनी है। कस्टमर आपको इनवॉइस या आप जो ईमेल आईडी देंगे उसके थ्रू आपको पेमेंट कर सकता है। तो वो यहाँ पर आपको जैसे हम दिखाया हूँ लाइव, उस तरह से यहाँ पर अभी वैसे ही आपका पेमेंट शो होगा, और आपका अमाउंट यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर आपका ये अमाउंट यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। अगर वेट करिएगा तो वेट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। या उसी तरह जैसे मैं अभी बताया था कि आपको ट्रांसफ़र पर क्लिक करके करना है, तो उसी तरीके से ये आपको बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। 24 आवर्स का टाइम लगता है, तो 24 आवर्स के अंदर ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। पेपल की एक बात हमें बहुत ही बुरी लगता है कि वो पर ट्रांजैक्शन 5% का चार्ज लेता है। तो ये बात हमको बहुत ही बुरी लगती है। आपको इसमें एक फ़ायदा हो सकता है कि आप ये 5% से बच सकते हैं। वो कब बच सकते हैं? जब आपके पास कस्टमर आता है तो वो 5% है आप कस्टमर में जोड़ दीजिए, तो वो 5% है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एक बार पेपल अकाउंट बना लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप ऐप स्टोर से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउन करके बहुत ही आसानी से आप उसमें यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।